हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर से रिलेटेड, एक शेयर टाटा का, एक शेयर जो कि अभी तक की आईटी कंपनी में सबसे बेहतरीन रिजल्ट दिखाए है। ओके, अभी टीसीएस के रिजल्ट आए, इन्फोसिस क्या है, विप्रो क्या है, माइंडट्री क्या है, ओके एचसीएल क्या है, बट सबसे अच्छे रिजल्ट जिस कंपनी का है उसकी बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं उसके टारगेट की। अगर बात की जाए उसका टारगेट 10,000 बता रहे हैं, और वो भी कौन, फंडामेंटल एनालिस्ट अपने 10,000 उसका टारगेट बता रहे हैं। तो वो तो बता ही रहे हैं, बट मुझे लगता है उन्होंने 3 साल का टाइम दिया है कि 3 साल में 10,000 पहुंच जाएगा। बट मुझे पर्सनली लगता है कि डेढ़ साल के अंदर अंदर या 2 साल 2022 के तक वो शेयर पहुंच जाएगा 10,000 रुपये तक। और दूसरी बात, काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। एज वेल एज बात की जाए, अभी टाटा ग्रुप बनाने जा रहा है इलेक्ट्रिक कार, और इलेक्ट्रिक कार बनाने में उस शेयर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, बहुत बड़ा रोल होने वाला है। सब चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, देखेंगे। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को पूरी देखा करें, लास्ट तक देखा करें। ओके, इस वीडियो में भी लास्ट तक बने रहिए, दूसरे लोगों को इस चैनल से जोड़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और नीचे आपको वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। कल की डेट में हमने एचसीएल के रिजल्ट आए थे, ओके, 2 डिविडेंड दिए एक साथ, और 10 बिलियन रेवेन्यू, 10 डॉलर मतलब 10 बिलियन डॉलर के लगभग रेवेन्यू उनका हो गया है। तो इसलिए स्पेशल डिविडेंड दिया है, और यहाँ पर 1,00,000 से 800 करोड़ रुपए कैसे कमाते हैं। ओके, इन शेयरों में दाव लगा सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और कैडिलास और ये मल्टीपल शेयर्स हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाइए, तो जाके देखिए। ओके, और अब बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, अगर आपका ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट है यहाँ क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट होगा, कोई चार्ज ओपन नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। एज वेल एज एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आप सभी को पता है, यहाँ पर लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा, और अपनी इच्छा अनुसार जो भी दान कर देना चाहते हैं आप दान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ। देखिए, बात कर रहे हैं हम टाटा इलेक्सी की। टाटा इलेक्सी के रिजल्ट इस बार के सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। ओके, अगर मैं बात करूं, मैंने दिसंबर से इस शेयर को आपको सजेस्ट करता आ रहा हूं, और बात करें दो गुना ये शेयर हो चुका है। 1600 रुपये का जब ये शेयर हुआ करता था, ओके, इसके आसपास अगर बात करें, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था, और उसके बाद तो ये शेयर अगर 100% से भी ज़्यादा 100% से भी ज़्यादा की रिटर्न आपको दे चुका है अगर एक तरीके से देखा जाए। तो इसलिए बताना चाहता हूँ, ये शेयर की तरफ हमेशा नज़रें बनाइए। देखिए, अच्छा खासा नहीं चल रहा था यहाँ पर, देखिए पूरा कंसोलिडेशन फेज में ही गुजारा है, बट एक बार जो इसने चलना शुरू किया है तो अभी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रिजल्ट के मामले में TCS का भी बाप है, और TCS से भी ज़्यादा रिटर्न ये फ्यूचर में डेफिनेटली देता हुआ नज़र आएगा, और ये मेरी गट फीलिंग है। मतलब मुझे इस तरीके के इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं कि हाँ, ये डेफिनेटली ये शेयर आगे बढ़ता हुआ, आगे भागता हुआ और नज़र आएगा, ये नहीं रुकने वाला ये शेयर। अगर हम देख लेते हैं यहाँ पर कल के परफॉर्मेंस की, तो कल का एक दिन का परफॉर्मेंस देखिए, शेयर वो काफ़ी ऊपर तक गया, 3340-50 रुपये तक गया था अपना, देखिए 3340, तो 52 वीक हाई लगाया था। मैं भी इसमें शेयर होल्डर था, मैंने सेल ऑफ कर दिया है, बट हाँ, मैं आई विल बाई इट अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नीचे थोड़ा बहुत जाने वाला है। जब ये 3000 रुपये के आसपास तक आ जाएगा तो आई विल बाई इट अगेन। और अगर बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने है, काफ़ी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं और कुछ पैरामीटर, 52 वीक लो आपके सामने 709 रुपये, 3340, मतलब एक साल के अंदर अंदर कितने रिटर्न दे दिया आप खुद देख लीजिए। अगर बात करें यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पे, तो लगभग 4,54,264 शेयर यहाँ पर उठाए गए हैं। यहाँ पर देखिए, अभी परसों की डेट में रिजल्ट आए थे, और रिजल्ट इसके बेमिसाल रिजल्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी खासी है। डिविडेंड देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम देखें 13 जुलाई 16 रुपये 50 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड, यहाँ पर ये 2020 का दे रखा है, बट अगर मैं यहाँ पर देखाऊँ 40 रुपये का डिविडेंड इसने दिया है। ओके, यहाँ पर 40 रुपये का डिविडेंड कंपनी देती हुई नज़र आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी देखा नहीं रखा, बट कोई इशू नहीं है, 40 रुपये का डिविडेंड है जो कि आपको मिलता हुआ नज़र आ जाएगा। और अगर हम देखें यहाँ पर रिजल्ट, तो यहाँ पर 10 साल में इसने कंपनी ने 2,334% के रिटर्न दिए हैं। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं डिविडेंड की, तो डिविडेंड आप देख सकते हैं अच्छा खासा डिविडेंड। बोनस की बात करें, 2017 में ही यहाँ पर 1:1 का बोनस कंपनी ने अनाउंस किया है। कंपनी इतनी अच्छी चल रही है कि कभी भी बोनस अनाउंस कर सकती है। राइट इशू की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट इशू भी
कंपनी 1995 में, बहुत पुरानी कंपनी है, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेडली बात कर लेते हैं। टाटा इलेक्सी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है कार, तो ऑटोमेशन में कंपनी काम करती है। और जब टाटा ग्रुप, टाटा मोटर्स जब बनाने जाएगा क्या टाटा की इलेक्ट्रिक कारें, ओके, जो कि बना भी रहा है और आगे चल के और अपने आप को एक्सपेंड करने वाला है, लैंड रोवर को बनाने वाला है उस इलेक्ट्रिक में, एज वेल एज जगुआर को बनाने वाला है, तो ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ ऑटोमेशन में यही शेयर करने वाला है टाटा ग्रुप के लिए। आईटी से रिलेटेड दिग्गज शेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करता हुआ नजर आता है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग से रिलेटेड काम करता होता है, ओके, तो आप इस शेयर की तरफ नजरें बना के रखिए, यहाँ पर इसे देख लीजिए। सबसे अच्छे सबसे बेहतरीन रिजल्ट इसी कंपनी ने प्रोवाइड करे है टाटा इलेक्सी ने। अगर बात करें मिड कैप है, मुझे तो नहीं लगता डरने की आपको जरूरत है, ओके, जितना पैसा आपको बाय एंड डिप्स में लगा सकते हो तो लगाइए, बट फिर भी आपको देखिए हम लोग आपको रिकमेंडेशन नहीं दे सकते, वी आर जस्ट गिविंग यू द नॉलेज। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए, ओके, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अंडर हमें वीडियोस बनानी होती है, तो इसलिए हम हमेशा ये इस चीज़ को बोलते भी हैं। मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ के लगभग का मार्केट कैपिटल, डेट इक्विटी की बात करें तो 5% के लगभग का डेट है, ना के बराबर। प्लेजिंग की बात करें कोई शेयर प्लेजिंग नहीं है, और पिछले 10 साल में 37% के रिटर्न दिए है, ओके, अगर मैं आपको बताऊं 10 मतलब आप 10 लाख रुपए 20 साल के लिए लगाते हैं और आपको 30% के हिसाब से भी पैसे मिलते हैं ना, तो 100 करोड़ रुपए होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आरओसी 40% के आरओसी से पैसा बढ़ रहा है, और क्या चाहिए, आरओई देख लीजिए 29। और अगर बात करें यहाँ पर डिविडेंड अच्छा खासा कंपनी देती हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की, इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। पहले सेल्स देखिए, 2018 जून में कितने 382 करोड़ की सेल्स थी, जो कि कंटिन्यूसली देखिए आप बढ़ती हुई नजर आएगी आपको, और बढ़ती हुई नजर आएगी, तो इस बार के जो सेल्स है सबसे ज्यादा है 518 करोड़ रुपए के। अगर बात करें नेट प्रॉफिट, 70 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट विद इन टू एंड हाफ ईयर में लगभग 115 करोड़ के उसमें चेंज हो गया है। बात करें ईयरली बेसिस पर, 2010 में 376 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि 10 साल के अंदर अंदर 1826 करोड़ की सेल, अगर बात करें 6 गुना कंपनी भाग चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67.52 में चेंज हो चुका है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 48 रुपीज़ का यहाँ पर 48 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट 368 करोड़ रुपीज़ के नेट प्रॉफिट में चेंज हो गया है। ईपीएस बढ़ गया है, 60 के ईपीएस पे कंपनी काम कर रही है। अगर बात कर रहे हैं अगर बैलेंस शीट की, तो यहाँ पर देख लीजिए रिजर्व्स, कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन रिजर्व्स है, 1290 करोड़ के रिजर्व्स है। कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर डेट इंक्रीज करते हुए दिख रही है, बट कोई इशू नहीं है, ना के बराबर ही डेट है, 73 करोड़ का, जब चाहेगी तब चुका देगी। इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, बट कैश की बात करें 860 करोड़ का कैश है। अगर बात करें यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग, 44.53 करोड़ के यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FIIs की बात करें तो यहाँ पर 12% की FIIs ने ले रखी है। DIIs ने देखिए यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी अभी फिलहाल में बढ़ाई है। पब्लिक की बात करें तो 38% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, तो इसलिए सारी की सारी ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। इस कंपनी की तरफ नज़रें बना के रखी है, रिजल्ट्स अच्छे पेश कर रही है, TCS से बेहतरीन रिजल्ट पेश करे है इसने, तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाली उस TCS और इसके मार्केट कैपिटल में भी देखिए ना, वो कहाँ 13 लाख करोड़ रुपए की कंपनी और ये कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, और आपको फिर भी बेहतरीन रिजल्ट बेहतरीन रिटर्न देती हुई नज़र आ रही है, तो इस कंपनी की तरफ ध्यान दीजिए। मिड कैप का स्टॉक है तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता, बट स्टिल अगर इसमें पैसा लगाते हो, मुझे लगता है कि आने वाले ये 10,000 का टारगेट यहाँ पर लोग बता रहे हैं, और ये और भी ज़्यादा भागता हुआ नजर आएगा, और कभी भी बोनस भी अनाउंस कर सकता है जिस तरीके के यहाँ पर ये कंपनी रिजल्ट पेश करती हुई आ रही है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी टाटा इलेक्सी से रिलेटेड, मुझे लगता है कि ये टाटा इलेक्सी का शेयर आपको भागता हुआ नजर आएगा और भी बाय ऑन डिप्स करने का मौका जरूर देगा। तो जब भी नीचे आए ये शेयर 3,000 के लगभग, तो एक्युमुलेट करने में देर मत लगाइएगा, काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, जो कि आपका खुद का चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोगों को हमारे चैनल के साथ कनेक्ट कराइए, और बेल आइकन को हिट करिए ताकि फौरन तौर पर इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।